with the sheet and the colors I had just sent you. Let's begin with the session. Okay. So, Sanket, you want to say something? Ma'am, क्या मंगाना था वो मैं मेरा network बंद था ना. You have to get a sheet and you have to get the colors. Okay. Oh, but you will get after 2 minutes. I'm playing you right now. Go later, beta. Wait. Okay. I'll just share the video. Just give me a minute. You know, what do you think the story was about? Okay. It's a small story. Okay. The screen is visible to all of us. Can I please see the thumbs up? If the screen is visible. Yes, okay, ma'am, it is visible. Thank you, ma'am. Okay. Let's begin. One day, a man saw a sculptor making two identical idols and asked, "Why do we need two idols?" "There is a problem in the first one," the sculptor said. The man looked at the idols from all sides. "What is the mistake? I can't see it," he said. "There is a scratch on the nose," the sculptor said. The man was surprised. "Where will this idol be placed?" he asked. "There," the sculptor pointed towards a high ledge. All right. So the sculptor is making the idol and he made the first one and there was a small scratch on it. Now it has to be placed on the very high ledge of the temple. So can anyone see that scar? Give me a thumbs up if yes. Give me a thumbs down if no. Kya kisi ko scar dikhega jab wo itni upar hai? लगा हुआ इतनी दूर से किसी को दिखेगा नोज पे छोटा सा स्कार गिव मी अ थम्स अप फॉर यस एंड थम्स डाउन फॉर नो द क्वेश्चन इज कि अगर वो फर्स्ट वाला आइडल जिसके नोज पे स्कार था छोटा सा अगर वो उसको ऊपर लगाते टेम्पल के लेज पर एकदम हाई बहुत दूर है जो तो क्या जब आप नीचे खड़े हो आपको वो स्कार दिखेगा अगर यस तो थम्स अप नो थम्स डाउन ओके आई गॉट द आंसर फ्रॉम रिस्वी आई गॉट द आंसर फ्रॉम मानव ओके रिस्वी मानव आई गॉट योर आंसर बाय दिव्यांश नव्या अंश आरव सिद्धांत ऑल राइट हनी ग्रेट तो नहीं दिखेगा तो आपको क्या लगता है उसको दूसरा आइडल बनाना चाहिए था कोई जब फर्स्ट छोटा सा स्कार है किसी को दिखेगा ही नहीं तो वो दूसरा क्यों बनाए उसको बनाना चाहिए कोई और बनाना चाहिए तो क्यों बनाना चाहिए Who would like to answer? Please raise your hand. Okay, Manav, please unmute. Yes, ma'am. So what do you think? जब वो स्कार नहीं दिखेगा तो जो स्कल्पचर है दूसरा आइडल बना रहा है उसको बनाना चाहिए एक्चुअली मैम क्यों मैम जब वो दिखेगा नहीं तो क्यों बनाना है राइट जब वो दिखेगा नहीं तो क्यों बनाना है ओके यू मे म्यूट योरसेल्फ ऑलराइट एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर मोहम्मद रिजवी प्लीज अनम्यूट क्या लगता है आपको बनाना चाहिए आइडल जब दिखेगा नहीं तो नो no. क्यों नहीं मैम जब दिखेगा नहीं तो क्यों बनाए ओके लेकिन किसी को जब दिखेगा नहीं तो क्यों बनाए अब देखते हैं आगे क्या होता है स्टोरी ओह दैट्स सो हाई नोबडी विल नो देयर इज अ स्क्रैच व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम ऑन अनदर आइडल द मैन आस्क्ड द स्कल्प्टर सेड I agree, but I know and God knows, and that's all that matters. So, what he said, हाँ मुझे पता है किसी को स्क्रैच नहीं दिखेगा,
बट मुझे पता है और गॉड को पता है कि इस आइडल में स्क्रैच है एंड दैट इज इनफ फॉर मी टू वर्क ऑन इट अगेन. सो व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी वाज अबाउट? किस चीज पर थी ये स्टोरी? कैन यू गैस? कैन एनीवन गैस? ओके नव्या गो अहेड. मैम आइडल. आइडल के ऊपर थी? यस मैम. ओके आइडल के ऊपर क्या स्टोरी थी ये? The what moral lesson do you learn from it? So you can't say the answer as idol. Can you say the moral lesson as idol? Idol होता है मूर्ति. तो ये moral lesson होगा जो आपने answer दिया. Unmute, you've muted again. Yes, ma'am. Okay, मूर्ति एक moral lesson है ना आपके according? मैं कहूं कि आपने स्टोरी से क्या मॉरल सीखा तो आप कहोगे मैंने मूर्ति सीखा. भगवान की मूर्ति क्या सीख दे रही है आप बता सकते हो? यस मैम. मैम की गॉड जानते हैं कि हमारा नोज पे स्क्रैच है एंड जो उसका मेकर था वो भी जानते हैं. तो इसका मतलब लेसन क्या हुआ? मूर्ति तो नहीं हुआ ना, एफर्ट पर हुआ ना कि हमें मेहनत करना है. एफर्ट हुआ ना. Yes, ma'am. Okay. Ansh? Ma'am, वो जो उसने दो मूर्तियां बनाई थी उसको पता था कि उस वन मूर्ति की नोज में स्क्रैच है और गॉड को भी पता था कि स्क्रैच है. तो क्या सीखा आपने इससे? इस स्टोरी से क्या सीखा? Okay. Anyone can tell me what did we learn from the story? Siddhant? No. Okay. The story, देखो उसने एक बार मूर्ति बनाई, उसने एफर्ट डाला पर उससे मिस्टेक हो गई, उसके नोज पे स्क्रैच रह गया. अब उसको क्या दिखा कि जो मैंने काम किया क्या उसने उसमें 100% दिया जब उसने फर्स्ट आइडल बनाया? यस के लिए थम्स अप, नो के लिए थम्स डाउन. तो जब उसने फर्स्ट आइडल बनाया जिसके नोज पे स्क्रैच था तो क्या उसने अपना 100% दिया था वहां पे? यस और नो? कम ऑन क्विकली आंसर मी. ओके आरव सेज नो. Siddhant says no. Okay. Ann says no. All right. Honey says no. Definitely. Usne apna 100% nahi diya. Right, Ananya? No. Annavya also says no. To, jab usne second wala banaya, ab usko pata tha ki mere first wale mein kya mistake reh gayi hai aur mujhe second wale ko theek karna hai. To wo apne kaam se bhaga nahi. उसने अपना एफर्ट डाला और अपना 100% दिया. तो हमारा आज का टॉपिक है गिविंग योर 100%. ओके जिसको हम एक्सीलेंस भी कहते हैं. तो एक्सीलेंस का मीनिंग होता है आप कोई भी काम कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, आप होमवर्क कर रहे हो, आप कोई क्राफ्ट का वर्क कर रहे हो, आप किसी की हेल्प कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% दे रहे हो कि उसको करने के बाद आप अंदर से सैटिस्फाइड हो, हैप्पी हो कि ये मेरा बेस्ट था. सो गिविंग योर 100% इज गिविंग योर बेस्ट. आर यू ऑल क्लियर विद दिस? शो मी अ थम्स अप अगर आपको समझ आ गया गिविंग योर 100% या गिविंग योर बेस्ट का मतलब क्या हुआ. ओके दिव्यांश इज अंडरस्टूड राइट. तो आप कोई भी काम जब करते हो जैसे कि आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो आप ध्यान से सारी बात सुन रहे हो और समझ रहे हो. So it means you have given your 100%. You have given your best, right? ऐसे ही अगर आप कोई project मैम देती है, उसके लिए काफी अच्छे से research कर उसको करते हो, you have given your best, okay? तो हमारा आज का topic है given your best. इसको हम excellence भी कहते हैं, इसको हम give your 100% भी कहते हैं, okay? Now what you have to do is, अब आपसे जो मैंने sheet मंगाई थी आप वो शीट अपने पास रखो और उस पर एक गार्डन बनाओ.
स्मॉल बनाना है, बिग बनाना है, आपकी मर्जी। आपको कलर नहीं करना, डायरेक्ट कलर से ड्रॉ करना है सिर्फ। यू डोंट हैव टू फिल इन द कलर्स, यू जस्ट हैव टू मेक इट विद द कलर्स। ओके, अब दो कंडीशंस है मेरी। आप जब अपना गार्डन बनाओगे, आप उसमें फ्लावर और स्टोन्स नहीं बनाओगे, उसके अलावा बर्ड्स दिखाने हैं, पीपल दिखाने हैं, चिल्ड्रन दिखाने हैं, स्विंग्स दिखाने हैं, पॉन्ड दिखाना है, माउंटेन से रिवर या मतलब स्ट्रीम आता हुआ कोई दिखाना है, क्लाउड्स, सन, व्हाटएवर यू वांट टू शो यू कैन। ओके, फेंस दिखाना है, आपकी मर्जी है सब कुछ। सिर्फ आपने फ्लावर्स नहीं बनाने और उसमें आपने स्टोन या रॉक या पेबल कुछ नहीं बनाना, ठीक है? Is it fine? So I give you 5 minutes. Quickly make this garden. Hurry up. It's 12:41 right now. By 12:46 we will wind up. So quickly make your garden. Directly draw with the color. हम यहाँ पे perfect drawing नहीं देख रहे कि किसको कितने अच्छे से garden draw करना आता है. No, we are focusing here. We are using colors because pencil screen पे visible नहीं होती इतनी clearly. इसीलिए हम directly color से draw कर रहे हैं and we are not looking for beautification of it. So quickly start with the work. Honey, begin, beta. I can see you sitting. Quickly make the garden. Pratyaksh, start the work. I want to see everyone's garden. Yes, Pratyaksh. Ma'am, we need to draw a garden. Yes, the garden. We need to draw a garden and then we need to show it. Yes. Okay. Yeah. So the garden that comes to your mind, just draw it. Okay? Yes, Bhavnish. Ma'am, sketch se banana hai. Aapki marzi bete, aap jis color se bana sakte ho. Aapki marzi hai. Ma'am, kyunki pencil color aur crayon se nahi banta, isliye sketch se bana sakte hai. Beta, I answered you now. What did I say? Please listen to the instruction now. It's your choice, okay? Just colors you have comfortable, you use that. I'm okay with it. Okay, yes, Divyansh? Ma'am, fence bana sakte. Your choice, your garden. Okay, ma'am. I just said no for flowers and stones. That's it. Okay, Muhammad Rizvi? Ma'am, kaun sa color? Ma'am, isme color bhi karna hai. What did I say? Ma'am, color bhi karna hai. Rizvi, aap 3 minutes aur bache. Aapka coloring finish ho paega? Agar nahi ho paega, to sirf color se outline kari. Okay? Yeah. Anaya? Ma'am, wo hame kya karna hai? आपने गार्डन बनाना है, उसमें फ्लावर्स और स्टोन्स नहीं बनाने और कलर से बनाने। अनन्या, फर्स्ट टेल मी वेयर यू आर बेटा। मैम, हमें क्या बनाना है? आप सबसे पहले एक जगह पे बैठिए, क्लास ले रहे हो आप। अगर आप ऐसे घूमते रहोगे तो आपको मेरी आवाज नहीं आएगी। प्लीज सेटल एट वन प्लेस। राइट, आपने एक गार्डन बनाना है जिसमें आप कुछ भी बना सकते हो, फ्लावर्स स्टोन्स नहीं बनाने, ठीक है? या नाउ स्टार्ट विद द वर्क। ओके, यस अनन्या। मैम, हमारे पास शीट नहीं है। बेटे, आपके पास रफ नोटबुक भी नहीं है? घर पे कोई नोटबुक नहीं है? मैम, नोटबुक में कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम। यस संकेत। मैम, हमें हम बादल किस चीज के बनाए? संकेत, आप मेरे लिए गार्डन बना रहे हो या आप अपने माइंड से बना रहे हो? मैं सिर्फ बादल का पूछ रहा था। आई विल नॉट टेल यू बिकॉज यू आर मेकिंग योर ओन गार्डन। ओके, मैंने गलती से ये बना दिया, ये या ऊपर स्काई बना दिया। कोई बात नहीं बेटा, आपके माइंड में तो स्काई होगा, क्या हो गया? इट्स नॉट रॉन्ग। ओके, व्हाट इज कमिंग टू योर माइंड, जस्ट मेक दैट। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर इन दिस। ओके, यस हनी।
Mom, I am saying that we can make. Mom, झोले भी बना सकते हैं. I just said no for flowers and stones. So rest anything you can make. Okay. All right. Another 2 minutes, please. So quickly finish it. You just have 2 more minutes. Last 1 minute, please. Hurry up. Yes, Navya. Mama, I am done. Oh, you've done. Give me a minute. Let me just change mode and put you in spotlight. Okay. Give me a minute. Okay, yeah. Okay, so you have made yourself in the garden? Okay. Oh, you have muted again. Just a second. Unmute. Talk about yes, ma'am. Yeah, batao aapne kya banaya? Ma'am, ye garden ka sense hai. Mm-hmm. And ma'am, ek child hai. Okay. She was playing. Okay, a child is playing in the garden. Okay. Yes, ma'am. All right. Okay, Navya, you may lower it, beta. I've seen. Thank you. Okay. Now, people, I want you all to stop this work. ठीक है? अब हमने garden बना लिया. अब सब stop करेंगे. अब आपने क्या करना है, अब आपने आज सुबह से लेके अब तक जो भी काम किया, सुबह उठना, ब्रश करना, गेटिंग रेडी फॉर स्कूल, हैविंग योर ब्रेकफास्ट, सिटिंग इन योर क्लासेस, अटेंडिंग योर क्लासेस, ओके, डूइंग योर क्लास वर्क, होमवर्क, व्हाटएवर इज द वर्क दैट यू हैव डन आज का पूरा दिन. बट अगर आज के पूरे दिन में एक्टिविटीज नहीं है तो आप मैक्सिमम कल के दिन के बारे में सोच सकते हैं साथ में. ठीक है, अब आपने क्या करना है, सोचना है हर वो काम जो आपने जिसमें अपना 100% दिया उसके लिए आप फ्लावर बनाओगे. और जहां आपको लगा कि आप अपना 100% दे सकते थे पर आपने नहीं दिया उसके लिए आप स्टोन बनाओगे. ठीक है, अब अपने गार्डन में आप फ्लावर बना रहे हो, अगर आपने जो भी काम किया उसको अपना 100% दिया या अपना बेस्ट दिया तो आप फ्लावर बना रहे हो कि उसको फर्दर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते. यू आर हैप्पी विद योर वर्क. बट अगर लगता है कि नहीं, ये काम मैं अच्छे से और कर सकती हूँ, मैंने इतने अच्छे से नहीं किया, तो आप उस फ्लावर की जगह आप स्टोन बनाओगे. अब वो कोई भी काम है, मॉर्निंग से सोचो ब्रेकफास्ट कैसे किया, कैसे आपने ब्रश किया, अपने अगर आपने किसी से बात की है तो कैसे की है, अगर आपने क्लास आज अटेंड की है तो कैसे की है, अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो. ओके, सो थिंक अबाउट इट एंड मेक फ्लावर्स एंड स्टोन्स अकॉर्डिंगली. तो फ्लावर अगर 100% दिया है, स्टोन अगर 100% नहीं दिया है. यस एकांश, हमारा गार्डन देख लीजिए. हाँ जी. Okay. Fine, Nikant. You can start with the work further with flowers and stones. Okay, ma'am. अब आप फ्लावर के लिए एक कलर चूज कीजिए और स्टोन के लिए एक कलर. तो अगर आप पिंक या रेड कलर फ्लावर के लिए कर रहे हैं तो स्टोन आपकी मर्जी है. आपको ब्लैक, ब्राउन, येलो, ऑरेंज, व्हाटएवर कलर यू वांट, दैट्स अप टू यू. तो वन कलर स्टोन के लिए होगा, वन कलर फ्लावर के लिए होगा. और डायरेक्टली प्लीज कलर से बनाइएगा. Okay, so quickly make it. Another 1 minute.
Ansh, are you working? Yes, Ansh. Excuse me, ma'am, हमें क्या बनाना है? बेटे आपने अब तक क्या बनाया है? मैम गार्डन. तो उस गार्डन में अब आपने फ्लावर बनाना है. अगर आपने अपने किसी भी काम को 100% दिया है और स्टोन बनाना है. ओके यस एकांश. अनन्या show me the complete garden please with the stones and flowers. I don't want to see the incomplete work. Please first complete it. Okay. Kanak. मैम हमारी हमारा गार्डन देख लीजिए. कनक आर यू रेडी विथ फ्लावर्स ऑल्सो एंड स्टोन्स ऑल्सो? यस सर. जस्ट अ सेकंड एंड लेट मी पुट यू इन स्पॉटलाइट. ओके गिव मी अ मिनट. मैम अभी. ओके तो कनक जो आपने स्टोन बनाया ना जस्ट शो इट वंस. Have you made any stone? Oh, she's muted. She's still working. Okay, 1 second, Kanak. Kanak, unmute. हाँ जी. तो आपने अपने गार्डन में कहाँ पे फ्लावर और स्टोन बनाया? मैम ये स्टोन. ओके नो फ्लावर. मैम इस फ्लावर ये रहा. आई जस्ट कांट सी इट. ओके आपने स्टोन जो बनाया वो किस चीज के लिए बनाया? मैम डेकोरेशन. ओके आपको लगा कि आप अपना काम को और अच्छा कर सकते थे पर आपने नहीं किया. Is this why? Okay, तो क्या रीजन था क्यों आप नहीं दे पाए अपना 100%? सोचो क्या रीजन था, क्या वजह रही थी, बताओ. कनक रीजन सोचो क्या रीजन था बेटा. स्टोन जो आपने बनाया आप अपना 100% नहीं दे पाए तो क्या चीज ने आपको स्टॉप किया था? आप डर गए, आपको टाइम कम लगा या फटाफट कर रहे थे, क्या रीजन था? मैं फटाफट कर रहे थे. ओके तो आप फटाफट कर रहे थे इसलिए आप अपना 100% नहीं दे पाए, राइट? ओके सो यस वन ऑफ द रीजंस कुड बी दैट. दिव्यांश. यस मैम. आर यू रेडी विद फ्लावर्स इन दैट? यस मैम. ओके शो. Okay, so why did you make your stone, Devansh? Because our drawing puri nahi ho pai. Okay, drawing puri nahi ho pai. To kis wajah se puri nahi ho pai? Ma'am, hume birds aur tree banane the. Kis wajah se puri nahi ho? Reason. I can see. Ma'am, kyunki hamare paas time nahi bacha tha banane ke liye. Hamare paas time nahi tha. Very true. Aur just a second. और डेफिनेटली हमारे पास टाइम आप डायरेक्टली कलर से बनाइए. तो जो भी पिक्चर अगर आप डायरेक्टली कलर से बनाते तो आप उसे पूरा कर पाते है ना. तो हम अपना 100% इस वजह से भी नहीं दे पाते क्योंकि हम अपने टास्क को ध्यान से फॉलो नहीं करते कभी कभी.
सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. उसके अलावा सोचो हम क्यों अपना 100% नहीं दे पाते, क्या रीजन होएगा और सोचो. एक रीजन तो है कि हमने ध्यान से नहीं सुना या हमने ध्यान से नहीं किया तो हमें दिखा कि टाइम कम है. तो ऐसे क्लास में भी बहुत बार होता है मैम कोई काम देती है और हम फटाफट गंदा गंदा कर देते हैं क्योंकि हमें फटाफट खत्म करना होता है कि हम प्ले कर सकें या हम कुछ और कर सकें, तो वहां पे भी हमारी एक्सीलेंस नहीं आती. सोचो और क्या रीजन होगा और क्यों हम अपना 100% नहीं दे पाते नव्या. यस मैम. बताओ और क्या रीजन हो सकता है नव्या. मैम जैसे मैम ने कुछ काम दिया कि हम आपको इतनी डेट में करना है और अगर हमारे उसमें मिस्टेक्स हो गए हैं बहुत सारे तो और हमारे पास टाइम भी नहीं है उसके लिए मैम हमने स्टोन बनाया है. ओके तो मिस्टेक हुई. मिस्टेक का रीजन क्या है कि हम घबरा गए. तो जब हम किसी काम में घबरा जाते हैं ना तब भी हम अपना 100% नहीं दे पाते. नाइस पॉइंट नव्या. राइट और एक चीज और, जब मैंने आपको कहा कि अभी पीपल आर ज्वाइनिंग इन क्विकली बी रेडी विद योर मटेरियल और मैंने आपको मटेरियल बताया तो हम सब उठकर तब नहीं गए थे है ना. और जब मैम ने एक्टिविटी का टाइम दिया हम तब सामान लेके आ रहे हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया, हमने प्रोकेस्टिनेट करा एक्शन को. अभी नहीं बाद में कर लेंगे. तो जब हम बाद में के बारे में सोचते हैं तो हमारा नहीं समझ पाते कि हमें कौन सा काम पहले करना है कौन सा है, को हम डिले कर सकते हैं या फिर जब हम डिले कर देते हैं बिना बात में जबकि हम उसी टाइम कर दे तो हम ज्यादा अच्छा कर पाएंगे. और दूसरा हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें. ओके और जानते हो क्या रीजन है, कई बार हमारे मन में भी आता है ना नहीं ये तो नहीं हो पाएगा ये तो नहीं, हम डर जाते हैं ना देख के मुश्किल लग रही है कोई चीज तब भी हम अपना 100% नहीं दे पाते. और कोई कारण है जो हम 100% नहीं दे पाते, सोचो और क्या कारण है. हनी मैम जैसे कि मैम ने मुझे कुछ काम दे दिया और उसके अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स है इसलिए हमने हम जब हम ध्यान से नहीं सुनी तो मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो जाएगा ना कि कैसे करना है ये काम, मैं कंफ्यूज हो गई तो इस वजह से भी हम 100% नहीं दे पाते. ठीक है अब मैं आपके साथ एक और स्टोरी शेयर करती हूँ जो यही बता रही है कि हम क्यों 100% नहीं दे पाते. ठीक है लेट्स वॉच द सेकंड स्टोरी. जस्ट अ सेकंड लेट मी जस्ट एंड दिस वन. कहानी है दो बच्चों की जो एक गांव में रहते थे. उनमें से एक 6 साल का था और एक 10 साल का. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, बिल्कुल शोले के जय और वीरू जैसे. दोनों हमेशा साथ रहते, साथ साथ खेलते, साथ साथ खाते पीते, साथ साथ नहाते धोते. नहीं धोते नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो गया. तो एक दिन वो दोनों गांव से थोड़ा दूर निकले और खेलते खेलते और उसको कोई नजर नहीं आया, उसको कोई नहीं दिखा जिसको कि वो बुला सके हेल्प के लिए. और फिर उसकी नजर पड़ी एक बाल्टी पे जिस पे एक रस्सी बंधी हुई थी. उसने एक सेकंड भी वेस्ट
नहीं किया, उस बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंक दिया और अपने दोस्त को बोला कि पकड़ ले इसको। उसके दोस्त ने पकड़ा और वो अपनी पूरी ताकत लगा करके पागलों की तरह उसको खींचने लगा, खींचता रहा, अपनी पूरी जान लगा दी उसने। छोटे से बच्चे ने, 6 साल के और 10 साल के बच्चे ने उस बाल्टी को पकड़ा हुआ था, खींचता। अब यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो ये कहानी समझ आती है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही ये दो बच्चे जब दोनों एक हो गए, जब बाहर आए और आकर के गले मिल रहे, रो रहे और खुश हो रहे, एक तरफ से उनको डर भी लग रहा था। डर था कि अब गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब उनको बताएंगे कि ऐसे हम कुएं में गिर गए और ये सब चीजें हुई। लेकिन मजे की बात, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जब गांव गए और जा करके उन्होंने अपने घर वालों को बताया, बाकी गांव वालों को बताया, तो किसी ने विश्वास नहीं किया पूरे गांव वालों ने, और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक थे क्योंकि उस बच्चे में इतनी ताकत भी नहीं थी कि वो एक बाल्टी पानी से भरी हुई वो उठा सके। तो इतने बड़े बच्चे को इतनी ऊपर खींचना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन एक आदमी था उस गांव में, उसने विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे। और फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर के उनके पास में गए और जाकर के बोले कि देखो जी, हमें तो कुछ समझ आ नहीं रहा, आप ही बता दो कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको हंसी आ गई। वो बोले कि यार इसमें मैं क्या बताऊं, वो बच्चा बता तो रहा है उसने कैसे किया, बाल्टी को उठा करके कुएं में फेंका, उसके दोस्त ने बाल्टी को पकड़ा, उसने रस्सी को खींचा और अपने दोस्त को ये नहीं है कि वो छोटा सा बच्चा ये कैसे कर पाया, सवाल ये है कि वो ये क्यों कर पाया। So why do you think, क्यों वो छोटा सा 6 years का जो बच्चा था वो 10 years के बच्चे को बचा पाया, क्या रीजन हो सकता है? ओके दिव्यांश मैम, क्योंकि वो दोनों बहुत ज्यादा पक्के दोस्त है, तो उस 6 साल के बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी पूरी ताकत लगा दी। मैम मेरी पेंटिंग Sanket, I am not supposed to see it right now. Please show it to me a little later. Okay, let's first complete with the story. Okay, honey. Mom, because we are good friends, उसके दोस्त ने, छोटे वाले 6 years old के बच्चे ने अपनी पूरी ताकत लगा दी अपने दोस्त को बचाने के लिए, क्योंकि वो अच्छे दोस्त थे। Okay. Let's listen to it now. कि क्यों हुआ? कि उसके अंदर इतनी ताकत कहां से आई? और बोले इसका सिर्फ एक जवाब है, सिर्फ एक, कि जिस वक्त उस बच्चे ने ये किया उस टाइम पे उस जगह पर दूर दूर तक कोई नहीं था, उन्हें कोई नहीं था, कोई नहीं, यहां तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। So does it happen with you all when somebody says आपसे नहीं होगा, या हमारे माइंड में आता है नहीं होगा, हम वो काम नहीं कर पाते, या हम अपना 100% नहीं दे पाते, हम डर जाते हैं? Give me a thumbs up अगर ऐसा होता है, and give me a thumbs down अगर नहीं होता। कोई आपसे कहे कि नहीं हो पाएगा, या आपके माइंड में आ जाए मैं नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है, और घबरा जाते हो आप? Okay, Vadan says yes. Anaya says yes.
Okay. Sanket says yes. So definitely. Divyansh, wow. Okay, Honey says yes. Darsh is still confused with his answer. Okay. All right, Harshita says yes, definitely. तो जब हम अपना 100% नहीं दे पाते उसका सबसे मेन कारण होता है कि हम अपने पे विश्वास नहीं कर रहे या हम डर रहे हैं, राइट? और वो हम कैसे डर रहे हैं, या तो हमारी हमारी जो साउंड है ना, हमें वो कह रही है आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे, ये नहीं हो पाएगा, या फिर जो हमारे आसपास है वो हमें कह रहे हैं। तो अगर हमें किसी भी टास्क में अपना 100% देना है तो सबसे पहले हमें अपनी वॉइस को चेंज करना है और कहना है मैं कर सकता हूँ, मुझसे हो पाएगा, और किसी की भी बात नहीं सुननी, ट्राई करना है। ट्राई कर कर देखोगे, नहीं होगा तभी तो पता चलेगा ना कि क्या प्रॉब्लम आई, जो टास्क नहीं हुआ उसको रेक्टिफाई करोगे, बट अगर ट्राई नहीं करोगे तो कैसे होगा, राइट? सो टुडेज टॉपिक ऑफ एक्सीलेंस वॉज अबाउट गिविंग योर 100%, और हम क्यों रुक जाते हैं देने से जब हमारी साउंड डर या दूसरे लोग हमें कहते हैं नहीं हो पाएगा, तब हम रुक जाते हैं। और अगर हम इसी को ओवरकम कर लें तो हम कोई भी काम कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, राइट? सो एक्सीलेंस का मतलब सक्सेसफुल होना नहीं होता, एक्सीलेंस का मतलब होता है आप जो काम करो उसमें 100% दोगा। रिजल्ट आता है या नहीं तो बाद में देखो, कि नहीं आया तो क्या मिस्टेक, ओके, राइट? So with this, I'll just share the homework with you all. Your homework is page number 57 of your book. So let me just type it in chat. Okay, please do page 57 in your book. Ma'am, can you help me with typing the homework because my screen is freezed. I am unable to type it. Sure, ma'am. Yeah, it's page 57 of the book, ma'am. Okay. Yeah, the chat is not opening for me. Right, so that's your homework, people. Okay. So, see you again. We'll meet again in the next class. Have a wonderful day. Bye, all of you. Thank you, ma'am. Bye. Bye-bye. Like me. Bye, ma'am. Bye-bye.